गाने के चक्कर में बीच बचाव के लिए बाल ठाकरे को आना पड़ा। इससे नजदीकियों के चलते माधुरी से नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन कराया गया। चोली के पीछे सॉन्ग से कैसे चूक गए घई नेशनल अवार्ड से। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। ये गाना तो सभी ने सुना होगा, लेकिन सबने ये नहीं सुना होगा कि इस गाने पर कितने विवाद हुए थे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस गाने के पीछे हुए बहुत से विवादों के बारे में। आपको बता दें कि इस मूवी से पहले ये सीन था कि सुभाष घई अपनी फिल्मों के म्यूजिक राइट्स HMV को बेचते थे, लेकिन इस बार घई रमेश तौरानी की टिप्स म्यूजिक की ओर बढ़ गए। घई को मार्केट का अंदाजा था और ऊपर से उनके एल्बम में चोली के पीछे क्या है जैसा गाना था। जिस राइट के लिए HMV 40 लाख रुपए दे रहा था, टिप्स ने उसे 1 करोड़ रुपए में खरीदा था। पहली किश्त में ही फिल्म ने 1 करोड़ म्यूजिक कैसेट बेच दिए थे। हालांकि घई की ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई, क्योंकि दिल्ली के एक वकील ने फिल्म पर केस कर दिया, क्योंकि वकील साहब का 4 साल का बेटा चोली के पीछे क्या है गा रहा था। उनका आरोप था कि घई की ये फिल्म बच्चों के दिमाग को दूषित कर रही है। ये कहने की देरी थी कि कई पॉलिटिकल पार्टियां और महिलाओं से जुड़े संस्थान ने इसका विरोध करना चालू कर दिया। सुभाष घई बताते हैं कि वो उन दिनों 32 पार्टियों से अकेले लड़ रहे थे कि किसी गाने को गलत बताने से पहले फिल्म तो देख लो। लेकिन मामला बढ़ता ही जा रहा था, ऐसे में घई की मदद के लिए आगे आए बाला साहब ठाकरे। उन्होंने प्राइवेट स्क्रीनिंग में फिल्म देखी और अपने इंटरव्यू में इसे देशभक्ति की फिल्म बताया। बाल ठाकरे के बयान ने भले ही फिल्म और गाने को कंट्रोवर्सी से बाहर निकाल दिया हो, लेकिन ये विवाद इतनी आसानी से घई का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। ये फिल्म नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई। यहाँ फिल्म को लेकर हुआ विवाद इन पर भारी पड़ा और नेशनल अवार्ड शाहरुख और यश चोपड़ा की फिल्म डर को मिल गया। घई 1 वोट से नेशनल अवार्ड चूक गए। लेकिन विवाद सिर्फ यहाँ ही नहीं था। घई की मुश्किलें तब और बढ़ गई जब संजय और माधुरी की नजदीकियां बढ़ने लगी। इसके लिए हमें आजकल ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि फिल्म की हीरोइनों से नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन करवाया जाता है। इसका मतलब साफ है कि आप फिल्म में काम करते वक्त प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। लेकिन 1990 के दशक में ये इतनी भी आम प्रथा नहीं थी। हालांकि आम अब भी नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड इसे लेकर 2 धड़ों में बटा हुआ है। आपको बता दें कि 1993 में माधुरी से इस फिल्म के लिए नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन करवाया गया था। कारण था उनके और संजय दत्त के बीच बढ़ती नजदीकियां। संजय फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर सबके सामने माधुरी के लिए अपने प्रेम का इजहार करते रहते थे, जबकि संजय की पत्नी ऋचा शर्मा उस समय न्यूयॉर्क में थी और कैंसर से जूझ रही थी। बावजूद इसके संजय और माधुरी की प्रेम कहानी मैगजीन की शोभा बढ़ा रही थी। सबको लग रहा था कि ये दोनों कभी भी शादी कर सकते हैं। घई भी उसी लिस्ट में थे। माधुरी ने क्लॉज तो साइन किया, लेकिन संजय से अपने रिश्ते के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। जैसे ही संजय का नाम बम्बई ब्लास्ट में आया, माधुरी ने उनसे दूरी बना ली। उन्होंने संजय के फोन उठाने तक बंद कर दिए थे। आज संजय मान्य रूप से मान्यता के पति हैं। संजय की लाइफ भी खलनायक से कम नहीं रही है। इसी खलनायक को देखते हुए घई ने इसके रीमेक की बात सामने लाई है, जिसमें चोली के पीछे सॉन्ग को भी एक बार फिर से रीमिक्स किया जाएगा, जिसको जैकलीन एक बार फिर परफॉर्म करती नजर आएंगी। इससे पहले भी जैकलीन 1, 2, 3 गाने पर बागी में थिरक चुकी हैं। अब देखना यह है कि चोली के पीछे सॉन्ग के साथ जैकलीन कितना इंसाफ कर पाती है। आपको कितना इंतजार है जैकलीन की इस परफॉर्मेंस का, हमें कॉमेंट में जरूर बताएं।